لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाथरूम से बाहर आने के भी कुछ आदाब हैं, जैसे बाथरूम में दाखिल होने के आदाब हैं। बाथरूम में दाखिल होते हुए आप पहले बायां पांव दाखिल करते हैं और फिर बाद में दायां पांव दाखिल करते हैं, और निकलते हुए आप पहले दायां पैर बाहर निकालते हैं फिर बायां पैर बाहर निकालते हैं। और ये जो बाथरूम में दाखिल होने की दुआ है, ये बाथरूम में दाखिल होने से पहले पढ़ी जाती है, बाथरूम में दाखिल होने के बाद नहीं। और वो दुआ है बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, ए मेरे इलाह, इन्नी आऊज़ु बिका, मैं पनाह में आता हूँ आपकी, मिनल खुबूसी वल खबाइसी, नापाक जिनों और जिन्नियों से। ये रिवायत मिश्कात शरीफ में भी आती है, बाब आदाबुल खला यानी बैतुल खला जिसे कहते हैं उर्दू में, अंग्रेज़ी में बाथरूम या वॉशरूम कह लें आप, तो उसमें बासाबता ये हदीस आती है। फसल अव्वल में हदीस है हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। फिर ये फसल दोम में जो हदीस आती है वो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। तो ये है बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ, दाखिल होने के बाद की नहीं, बल्कि ये पढ़ के फिर दाखिल हो। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा, इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइसी।